केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका होता है। इसको आगे बढ़ने से पहले यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करते हैं सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, दोस्तों को भी शेयर करो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे सबसे पहले जाए। यह जो विधि है ना, यह अनुमान विधि है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसमें यह पता करना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं। एग्जाम्पल में कभी कभी संतुलित समीकरण भी दे देता है तो उसमें तुमको वहाँ बैलेंस लिख देना होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अनुमान लगाना है और एप्रोप्रिएट नंबर से कंपाउंड्स के लेफ्ट साइड में हमेशा गुना करना है, पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि यदि कोई कंपाउंड्स में एटम्स ऑड नंबर में है तो उसको हम लोग टू से मल्टीप्लाई करके इवन नंबर में लाएंगे। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। यह तभी संभव है जबकि आप कम से कम 50 केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाइए। और इससे क्वेश्चन आता है, ये दिया रहेगा फर्स्ट नंबर में आपको बैलेंस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट इस ढंग का ये क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर और बताएंगे तुम लोगों को। एक तो स्टेटमेंट रहता है उसको बैलेंस करना है, या फिर स्टेटमेंट को फिर केमिकल फार्मूला में ढालना है फिर उसको बैलेंस करना है। तो इसकी जानकारी पिछले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम वैलेंसी बताएंगे, जो भूले बिसरे लोग होंगे उसमें वैलेंसी वो जान लेगा। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट है तुम्हारा CH4+O2 CO2+H2O। अब यहाँ पर देखो, यहाँ चार हाइड्रोजन है, वहाँ दो ही हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए यहाँ टू से मल्टीप्लाई किए। तो चार हाइड्रोजन, दो और दो चार ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर दो ही ऑक्सीजन है तो उसे मल्टीप्लाई किए, एक कार्बन एक कार्बन। नेक्स्ट है तुम्हारा N2+H2O NH3, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया। इसमें देखो यहाँ थ्री है, ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दिए। तो दो एन यहाँ हो गया, दो एन यहाँ हो गया, तीन दुना छः एच वहाँ, यहाँ भी तीन दुना छः एच हो गया। नंबर थर्ड है तुम्हारा H2+O2 AO2H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो वाटर। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर, दो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ चार हाइड्रोजन हो गया इसलिए यहाँ दो से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है NH3+Cl2 AO NCl3+HCl, मतलब कि अमोनिया प्लस क्लोरीन, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पर देखो तुम्हारा कि यहाँ पर एक एन एक एन, यहाँ पर तुम्हारा तीन एच है इसलिए यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई किया। तो तीन सी एल यहाँ, तीन सी एल यहाँ, छः सी एल हो गया, यहाँ दो ही सी एल है इसलिए थ्री से मल्टीप्लाई किया। नंबर पांचवा है Zn+HCl AO Zn Cl2+H2, जिंक हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखो दो सी एल है, यहाँ पर एक ही सी एल है इसलिए हम दो से मल्टीप्लाई करते हैं, दो एच हो गया, इधर भी दो एच हो गया, एक जगह एक जगह हो गया। नेक्स्ट है P+O2 AO P2O3, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। फिर वही चीज आ गया, यहाँ ऑड नंबर है, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिए, तीन दुना छः एवन नंबर आ गया, यहाँ दो दुना चार पी हो गया, यहाँ चार पी, चार से मल्टीप्लाई किए, यहाँ तीन दुना छः ओ है, यहाँ पहले से दो ओ था इसलिए तीन से मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट है तुम्हारा P+O2 AO P2O5, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और फिर ऑड नंबर, यहाँ दो से मल्टीप्लाई किए, फाइव टू जा टेन हो गया, यहाँ दो ही ऑक्सीजन है इसलिए फाइव से मल्टीप्लाई किया। यहाँ फोर फॉस्फोरस हो गया, यहाँ एक ही फॉस्फोरस है इसलिए फोर से मल्टीप्लाई किए। P+Cl2 AO PCl3, फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन एरो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब यहाँ फिर ऑड, यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दो पी, यहाँ एक ही पी था इसलिए टू से मल्टीप्लाई किए। यहाँ तीन दुना छः सी एल, यहाँ दो ही सी एल था इसलिए तीन से मल्टीप्लाई किए।
नेक्स्ट है फास्फोरस प्लस क्लोरीन एरो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड फिर ऑड है ये दो सीमेंट मिलाई कर दिए तो पांच गुना दस सी एल हो गया यहाँ दो ही सी एल है इसलिए पांच से मल्टीप्लाई किए यहाँ दो पी है यहाँ एक ही पी है इसलिए दो से मल्टीप्लाई किए अब अल्मोनियम प्लस ऑक्सीजन एरो अल्मोनियम ऑक्साइड फिर यहाँ ऑड है यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिए थ्री टू या सिक्स हो गया यहाँ दो ही है तो तीन से मल्टीप्लाई किया थ्री टू या सिक्स हो गया दो ना चार अल्मोनियम यहाँ एक ही अल्मोनियम है इसलिए चार से मल्टीप्लाई किए तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसकी तैयारी करेंगे कि कैसे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका केमिकल इक्वेशन में ढालना है इसके लिए पहले हम वैलेंसी के बारे में जानकारी देंगे ठीक है उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आज इतना ही थैंक यू गुड नाइट।